श्री बद्री नारायण धाम। यहाँ बद्री नारायण रहते हैं, इस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। भारत के उत्तरांचल की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की परम आस्था का प्रतीक है। एक ऐसी भूमि जहाँ हर किसी का जाने का मन करे, एक ऐसा स्थान जहाँ स्वयं भगवान बसते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आपको दर्शन करवाते हैं इस पवित्र धाम में स्थित भगवान बद्रीनाथ के, और अवगत करवाते हैं इस जगह के अनोखे रहस्यों से। श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यह समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति सालग्राम शिला से बनी हुई है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर और नारायण की पूजा की जाती है और अखंड दीप जलता है जो ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। श्री बद्रीनाथ धाम में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं, इस कारण इस धाम का नाम बद्री धाम पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में दो पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में भगवान शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर भगवान बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना प्रभु नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे इस जीवन से मुक्ति भी मिलती है। भविष्य में नहीं होंगे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा, भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ स्थान का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जाता है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन यह बद्रीनाथ तीर्थ स्थल और केदारनाथ तीर्थ स्थल विलुप्त हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ के दाहिने ओर कुबेर की मूर्ति है, उनके सामने उद्धव जी की मूर्ति है जिसे शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है और नर नारायण की मूर्ति भी है और इनके ही समीप श्री देवी और भूदेवी है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जो कि 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना है जिसे तप्त कुंड भी कहा जाता है। यहाँ की एक लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया था। कहते हैं भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत ही भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। कहते हैं शिव और पार्वती ने वह स्थान छोड़ दिया और केदारनाथ चले गए। भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को विश्राम स्थल बना लिया। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर पानी में डूबने लगा। तब माता ने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बेर के वृक्ष का रूप ले लिया। भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कई वर्षों के बाद भगवान विष्णु ने अपना ध्यान पूर्ण किया। जब उन्होंने देखा कि माता पार्वती भी उनके समान ही योग कर रही है, तब उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है।
तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्री बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ में शंख न बजने की 3 अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु योग मुद्रा में विराजमान है और शंख जो कि भगवान विष्णु का आह्वान करता है, इसलिए भगवान के योग में कोई बाधा ना हो, इसलिए वहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता है। दूसरी मान्यता यह है कि अगस्त मुनि के पास एक जागर गांव में 2 राक्षस रहते हैं। मान्यता है कि शंख उनका प्रिय है। शंख की ध्वनि सुनकर वह उठ ना जाए, इसलिए भी वहाँ शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, तीसरी और ठोस मान्यता यह है कि वहाँ के धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद उनियाल के अनुसार हमारे पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि वृंदा, जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार थी, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। वृंदा ने एक श्राप के कारण यहाँ तपस्या की और उनका विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस से हुआ। चूंकि शंखचूर्ण एक राक्षस प्रवृत्ति का था, इस कारण भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर शंखचूर्ण का वध कर दिया। इसके बाद वृंदा ने भगवान नारायण को यह श्राप दिया कि आपने मेरे पति का वध किया है, आप पत्थर हृदय हैं, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको यहाँ एक पत्थर बनकर रहना होगा। इस श्राप के कारण भगवान नारायण यहाँ एक काले शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित हो गए और यह एक ऐसा पत्थर है जिससे कीड़ों के काटने पर चक्रनुमा निशान पड़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भगवान नारायण ने वृंदा से कहा कि यदि मैं आपके श्राप का पालन करूंगा तो मेरा भी आपको एक श्राप है कि आप भी यहाँ एक पेड़ की भांति रहेंगी। इस प्रकार स्वयं माता लक्ष्मी तुलसी बनकर आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रही है। यह तुलसी भगवान बद्रीनाथ को माला के रूप में धारण कराई जाती है। इस घटना का संबंध शंख न बजाने से है, क्योंकि शंखचूर्ण वृंदा के पति थे। इस कारण वृंदा, जो कि अब तुलसी है, उनको शंख की आवाज सुनकर शंखचूर्ण का स्मरण न हो, इसलिए यहाँ पर शंख बजाना वर्जित है। भगवान बद्रीनाथ मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर के 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं। मान्यता है कि भगवान बद्री विशेष की पूजा देवता और मनुष्य दोनों करते हैं। इस कारण 6 महीने तक किसी भी इंसान का मंदिर में प्रवेश वर्जित है और बाद में अगले 6 महीने भक्तों के लिए मंदिर के कपाट विधि विधान से खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करवाते हैं। यह दर्शन कर आपके मन को भी एक सुखद अनुभूति तो जरूर होगी। तो दोस्तों, आपको भी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो भगवान बद्रीनाथ के इस अलौकिक स्थल के दर्शन कर भगवान बद्रीनाथ के भी दर्शन जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तब तक मेरे साथ बोलिए, जय बद्रीनाथ।